SW24 न्यूज के शिवपुरी संवाददाता यूसुफ खान की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। मामला झांसी रोड ITI के पास का है। यहां 2 साल से सड़क खुदी पड़ी थी। गिट्टी और धूल खाने के लिए यहां के आसपास के लोग मजबूर थे, लेकिन अफसोस सब जगह शिकायत करने के बाद फिर भी इस सड़क का समाधान नहीं हुआ। जब जाकर यहां के रहने वाले लोगों ने इस सड़क की शिकायत मीडिया का सहारा लेकर पत्रकार यूसुफ खान से खबर प्रकाशित करवाकर श्रीमंत महाराजा यशोधरा राजे सिंधिया जी तक खबर पहुंचाई। इस सड़क की शिकायत पहुंचते ही जनता की समस्या का समाधान हो गया और सड़क का काम चालू हो गया जो 2 साल से रुका पड़ा था। सड़क का काम चालू होते देख जहाँ से निकलने वाले और आसपास के रहने वाले लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। झांसी रोड ईदगाह के पास रहने वाले वार्ड वासियों ने श्रीमंत महाराजा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। खबर पहुंचाने के लिए SW24 न्यूज के संवाददाता यूसुफ खान को भी धन्यवाद दिया एवं आभार व्यक्त किया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? अमर सिंह साहब के। ये अभी जो सड़क का काम चल रहा है ये ITI के सामने, ये कहाँ से चालू होगी और कहाँ तक बनेगी सड़क? ये जाएगी घोड़ा चौक से वो प्याज मंडी तक। घोड़ा चौक जाने की ये झांसी तिराया? हाँ। झांसी तिराये से कहाँ तक? प्याज मंडी। प्याज मंडी किधर है? मरगट थाने तरफ। अच्छा जी, हवाई पट्टी के आगे। हवाई पट्टी के आगे। तो काम चालू कब से हुआ है भैया? ये काम चालू तो इसको तो काफ़ी टाइम हो गया, काम को तो बंद पड़ा अभी है। अभी चालू कर दिया। हाँ, पहले बंद पड़ा था ये ना, काफ़ी टाइम से, 2-1 साल से है ना। अब जी चालू कब से हुआ है भैया? चालू हो गया इसको आज से हुआ, कब से हुआ है? अच्छा अच्छा, काम चल रहा है। अच्छा, पूरी सड़क बनेगी? और जो ईदगाह के सामने जो बीच में वो भी पूरी कम्प्लीट? हाँ वो भी कम्प्लीट है। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है भैया आपका? कुलदीप भार्गव। ये भार्गव जी, अभी ये 2.5 साल से जो काम रुका पड़ा था ये सड़क का, अब जो काम चालू हुआ है कितने दिन बाद चालू हुआ है और कितनी का खुशी? 2.5 साल बाद चालू हुआ है। कितनी खुशी है आपको ये काम से? बहुत खुशी है ये काम चालू होने से। अच्छा, धूल उड़ती थी, बच्चों को बीमारी होती थी और घरों में धूल जाती थी। ठीक है, और क्या क्या दिक्कत आती थी? बहुत दिक्कत आती थी, एक्सीडेंट होते थे रोज ही ना इसमें। इसकी आपने कहीं शिकायत वगैरह पहले कहीं करी? कई बार शिकायत करी, कहीं कुछ नहीं हुआ था? कोई ने कोई सुनवाई नहीं हुई, नेताओं से भी बोला तब से बोला जी, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आप जो काम चालू हुए, आपका ट्रैक्टर चल रहा है, आपको कैसा का लग रहा है, क्या महसूस हो? हमको तो लग रहा है अभी देखते हैं, चालू हो गया तो खुशी हो रही है। किसको धन्यवाद देना चाहते हो आप? हमारे बंदे मातरम अरशद अली भाई को। अच्छा, और किसको धन्यवाद देना चाहते हो? वंदे भारत न्यूज को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।